been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jung. Janab, aaj ek aur match khela gaya. Fifth number of ICC T20 World Cup match between Afghanistan and Uganda. Janab, Afghanistan ne 183 runs on board ki in the loss of 5 wickets and Uganda aaya 58 pe all out. They were unable to play 20 overs. Yes. Janab, partnership thi major Zazran ki aur Gurbaz ki jisne jo hai na ek tone set kar di which was 154 on 85. I'll come to you, Salman. Humne aaj batting dekhi, bowling dekhi, fielding dekhi. They were spot on. पाकिस्तान की अगर हम बात करें सही अभी कंपैरिजन नहीं बनता लेकिन फिर भी अगर हम करंटली देखें हमने क्या किया है इंग्लैंड के अगेंस्ट हमारा तो जो ओपनिंग प्लेयर है ना वो भी स्ट्रगल कर रहा था मिडिल ऑर्डर के हालात हमारे सामने हैं तो एक तरफ ये आके अनाउंस कर चुके हैं कि वी आर हियर इन द वर्ल्ड कप वट आई नो कब्रस वक्त है कहना बट टीम पाकिस्तान कहाँ खड़ी है देखिए हमारा ना प्रॉब्लम यही है कि हम फोर्स ही नहीं करते चीज़ों हम जिस स्टाइल से क्रिकेट खेल रहे थे ना वो परफेक्टली सूट करता है वेस्ट इंडियन कंडीशंस को जिससे हम खेल रहे थे और जहाँ हम चेंज लाना चाह रहे हैं जो चीज़ हम अडॉप्ट करना चाह रहे हैं वो थी कि हमारे प्लेयर इंग्लैंड की तरह तेज़ खेलें तो हमारे और इंग्लैंड के रिसोर्सेज में बैटिंग रिसोर्सेज में और क्वालिटी और स्किल सेट्स में बड़ा फ़र्क है तो इमिटेशन बनती नहीं दूसरा जहाँ आप जा रहे हैं ये जगह है पार्टनरशिप्स की या कोई एक हैवी हैंडेड प्लेयर आएगा जो आके ऐसे एक दो तीन ओवरों में चार पाँच छक्के मारेगा तो मैच को वो एक बैलेंस उसका अपने हक में ले जाएगा या फिर पार्टनरशिप होगी और फिर उसके बाद पार्टनरशिप नहीं होगी आप पिछला उठाएँ वर्ल्ड कप 2009-10 का वेस्ट इंडीज़ में और आप देखें कि पार्टनरशिप्स में जब ब्रेकेज आता है तो उसके बाद विकटें फ़ौरन गिरती थी हर मुल्क की वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी जगह है कि जब आप पार्टनरशिप लगा लेते हैं ना तो उसके बाद नए आने वाले के लिए उतना ईजी नहीं होता स्ट्रेट अवे जाके सेम रेप्लीकेट करना अनलेस के कोई एक ऑड पिच बड़ा ही अच्छा हो वहाँ पर तो वही यहाँ पर भी हुआ 114 ओवर्स में 154 था और उसके बाद 180 पे ही टीम रह गई 5 आउट हो गए फिर स्कोर 8 की एवरेज से भी नहीं हुआ आगे सो दिस टेल्स यू के पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी है और पाकिस्तान का तो मैक्सिमम विनिंग रेशियो ही बाबर रिजवान की पार्टनरशिप के ऊपर है तो वो हमें चीज़ इसको फोर्सी करते हुए डिस्टर्ब करनी ही नहीं चाहिए थी लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम तो एक सीरीज़ के आगे सोच ही नहीं रहे होते ना हम तो देर एंड देन फैसले होते हैं कि ऐसे कर लो इधर जाना ये कर लो जबकि इधर जो आपको सूटेबल है चीज़ वो उनका प्लेइंग स्टाइल है जिसमें ग्राफ्टिंग भी आती है जिसमें अटैक भी आता है और अटैक को बैलेंस करना है रनिंग बिटवीन द विकेट्स के साथ okay. वो ऑल आउट बिग हिटिंग तो वो नहीं कर रहे इधर जो है ही मशहूर बिग हिटिंग के लिए वेस्ट इंडीज़ को भी टाइम लेना पड़ा इन विकेटों के ऊपर जो कि पैदा ही उधर हुए हैं तो आई थिंक ये बड़ा डिपेंड करेगा कि पिचेज आपको कैसी मिलती हैं एंड आई थिंक पाकिस्तान नीड्स टू ट्रस्ट दिस पार्टनरशिप अगर आपने उन्हें यह कह दिया कि 6 में 70 करो और अगर वो जिस मैच में जल्दी आउट हुए तो बात जो फिर समझ जाओ फिर ठीक है जी फिर मसला है आप ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हमने कहा था कि आकिब के अंदर की खबर लेके आते हैं तो आकिब सूत्रों के अनुसार जो है वो खबरें ये आ रही हैं कि मौजूदा प्लेइंग 11 में जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 सबको पता है उसमें से कोई एक खिलाड़ी ऐसा है जो कप्तान बाबर आजम और मैनेजमेंट से बड़ा नाराज है वैसे ये अच्छा नहीं हमजा प्लेइंग 11 में कोई एक खिलाड़ी तो ऐसा नहीं है जिसना हमने अपने पहले शो में बताया था कि टीम में कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अभी टाइम है हम इस तरह की बातें मैनिपुलेट करें क्योंकि अभी स्पोर्ट की ज़रूरत है हमारी टीम को हमारा ना सिस्टम बेसिकली ये रहता है कि जब भी खिलाड़ी कोई आता है या तो वो खेले बगैर ड्रॉप हो जाता है या तो उसको डेब्यू सीरीज़ करवाई जाती है और डेब्यू सीरीज़ किसी बुनियाद पर करवाई जाती है लेकिन उसको खिलाए बगैर ये कह के खिलवाया जाता है कि ये प्लेइंग 11 में फ़िट नहीं होता तो एक अब खिलाड़ी ऐसे हैं उनसे मतलब मैं नाम नहीं ले सकते एक खिलाड़ी हैं जो इस वक्त टीम मैनेजमेंट से जो है ना काफी नाला नजर बैटर हैं बॉलर हैं वो जो भी हैं अब थोड़ी कमेटी डाल लेते हैं लेकिन वैसे ये जो कुटी करने वाली बात है ना मैं समझता था कि ये गलत होती है एक दफा मैं केप पॉइंट गया तो वहां मैंने देखा कि हमारे एक लेग स्पिनर वहां अकेले घूम रहे अपनी बेगम के साथ मैंने कहा यार कल तो टीम पूरी यहाँ पे आई थी तुम नहीं आए वो कहते नहीं जी मेरे साथ रवैया ठीक नहीं है मैं उसने बाकायदा ये जो बात कर रहे हैं ये नाराज़ी जो है वैसे ये बड़ी नॉन प्रोफेशनल होती है इफ़ आई एम इन द टीम मैनेजमेंट तो मैं तो बर्दाश्त ना करूँ बिकॉज यू आर प्रोफेशनल यू आर बीइंग पेड और फिर एक नेशनल प्राइड है तो ये मस्का खेज बातें भी हैं लेकिन जैसे अभी बात कर रहे हैं हमारे कोलीग के ये इनको कहीं से ऑथेंटिक खबर मिली होगी अगर ये ऐसी खबर है तो इसमें पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप की है देन ऑफ कोर्स सदर दफ्तर जो है उसके जो करता धरता है उनकी है अल्लाह करे कि आधी सच आधी झूठी खबर हो प्लेयर्स के अंदर जो इत्तेफाक है और जो परफॉर्म करने की एक इंस्टिंक्ट है या एक एक, एक सोच होती है वो तो ज़ाहिर है कि वो सबसे ऊपर होती है बिल्कुल आपको अगर
आप ओपनर हैं और आपको चौथे नंबर पर या टू डाउन या थ्री डाउन भेजा जा रहा है, वहाँ पर भी आप डिलीवर कर सकते हैं। तो ये जो बातें हमारे यहाँ पे इश्यूज निकल रहे हैं, एक तो एक फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी है कि जी जैसे भी उसामा मीर की बात हो रही थी, वो मुझे भी बड़ी अजीब सी बात लगी, लेकिन बाद में भट्ट साहब ने फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ भी जाहिर है कि इनके रबते रहते हैं, तो वो बातें कुछ ऐसी निकली कि वो बात फिर वो जस्टिफिकेशन उसकी बन नहीं सकी। कुछ एक और चीज़ भी है कि हमारे मीडियम जितने फैल गए हैं कि जितने मुंह उतनी बातें। जनाब कंट्रोवर्सी स्टिल देयर, डिस्कशन अभी जारी है, आई कम टू यू क्योंकि जानना जरूरी है। ही हैज मेंशन कि एक से ज्यादा प्लेयर्स हैं जो कि खफा हैं, अब वो क्या डिस्कशंस हैं, वी विल हैव अ डिस्कशन। की वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन, वी कॉल इट जीत की जंग।